गए तक, तो फ्लोर वर्क का काम स्टार्ट भी हो चुका है। लॉन्चर आप लोगों को वो वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा भाई साहब लॉन्चर है, देख सकते हो आप लोग तस्वीरें। कुछ यही नज़ारा है यहाँ का, न्यू अशोक नगर का। देखो सारे में ही प्लेटफॉर्म लेवल पे ही काम किया जा रहा है अभी न्यू अशोक नगर के स्टेशन पर RRTS का दोस्तों जो है। और देखो लॉन्चर वो आगे लग रहा है, वहाँ पर पहुँच गया है और वहाँ पर भी वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब आई हो, अच्छे होंगे। मैं के बिसंत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूँ दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ कोंडली में ये स्टील का स्ट्रक्चर की द्वारा ये ब्रिज को बनाया जा रहा है। देख सकते हो काफ़ी लंबा चौड़ा ये ब्रिज बनाया जा रहा है दोस्तों, तस्वीरें देख सकते हो। और ये जो लाइन जा रही है, ये जा रही है न्यू अशोक नगर के लिए और फिर वहाँ से यमुना रिवर को क्रॉस करेगी, सीधी सराय काले खाम में जाके रुकेगी। मेरे प्यारे दोस्तों तस्वीरें आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, जो इसके देखो जो स्टील का ब्रिज बनाया जा रहा है उसके स्ट्रक्चर से देखो, ये रहे ट्रकों में जा रहे हैं यहाँ से लदलद के, फिर वहाँ जोड़ा जा रहा है कोंडली के ऊपर दोस्तों। और आगे भी स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। और जो पूरा रूट है दोस्तों, ये 82 किलोमीटर का रूट है, 82 किलोमीटर के रूट में से ये 12 किलोमीटर का पार्ट तो दोस्तों अंडरग्राउंड है और बाकी 70 किलोमीटर का पार्ट दोस्तों ये एलिवेटेड है। तो तस्वीरें देख सकते हो जिसमें से 6 किलोमीटर का पार्ट तो दोस्तों आनंद विहार के अंदर है और 6 किलोमीटर का ही पार्ट दोस्तों मेरठ के अंदर है। और देखो जो ब्रिज बनाया जा रहा है उसके स्ट्रक्चर्स यहाँ रखे हुए हैं, जो स्टील का ब्रिज बनाया जा रहा है वहाँ पर देखो उसके स्ट्रक्चर्स देखो यहाँ दोनों साइडों में रखे हुए हैं। यहीं से ये ट्रकों के द्वारा लोड करके फिर वहाँ पर ले जाते हैं, क्रेन मशीन द्वारा वहाँ पर जोड़े जाते हैं। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। और पिछली वीडियो में आप लोगों को मैंने दिखाया था कि कोंडली में कितना ब्रिज बन चुका है, क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा ये ब्रिज है दोस्तों, करीब करीब 500 मीटर का होगा। देखो सारे स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं ये स्टील के, जो ब्रिज का जो ब्रिज बनाया जा रहा है स्टील का, उसके सारे स्ट्रक्चर से देखो साइडों में ये रखे हुए हैं और यहीं से उठा उठा कर ले जा रहे हैं ट्रकों की मदद से, फिर ऊपर जोड़ा जा रहा है। और इस रूट पर दोस्तों ट्रैक स्लैब बिछाने का जो काम था वो भी काम कंप्लीट हो चुका है। इस पर इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगा दिए जा चुके हैं दोस्तों, देख सकते हो। अब इन पर खंभों के ऊपर ओवरहेड इक्विपमेंट लगाया जाएगा, उसके बाद में फिर इस पर वायरिंग डाली जाएगी दोस्तों, ओवरहेड वायरिंग का काम किया जाएगा। तो यही नज़ारे हैं दोस्तों, और चलते हैं और आगे आप लोगों को दिखाते हैं चल के कि न्यू अशोक नगर RRTS का स्टेशन कितना बन के कम्प्लीट हो गया है, क्या क्या काम किया जा रहा है, कितना बाकी बचा हुआ है, वो सब कुछ आप सभी को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जब तक ये न्यू अशोक नगर का स्टेशन आता उससे पहले आप लोग चैनल को लाइक शेयर कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो के पसंद के चैनल पर दोस्तों। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं चल के न्यू अशोक नगर RRTS का स्टेशन, और फिर आप लोगों को पता चलेगा कि कितना काम हो चुका है कम्प्लीट वहाँ का। तो चलते हैं, देख सकते हो दोस्तों सारा काम कंप्लीट हो चुका है। और आपको बता दूं कि जिसकी डेडलाइन है ये है सन 2025 की, लेकिन इसे 24 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा दोस्तों। सन 2024 में ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी और सन 2024 में ये चला दी जाएगी दोस्तों, क्योंकि पूरा इसका जो ट्रैक है दोस्तों वो बन के कम्प्लीट हो जाएगा 24 में ही। तो इसी वजह से ये
इसमें जो डेडलाइन दी गई थी वो सन 2025 की दी गई थी दोस्तों, लेकिन इसमें टाइम से पहले ही काम कर लिया जा चुका है दोस्तों। देखो दोस्तों, यहाँ तक ये इलेक्ट्रिक सिटी के खंभे लगा दिए जा चुके हैं। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को अशोक नगर का RRTS का स्टेशन देखने के लिए मिलेगा, और उस पर देखते हैं चल के कि क्या क्या वर्क हो चुका है कंप्लीट, अभी क्या क्या बचा हुआ है करने के लिए, वो सब कुछ आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। तो बढ़ते हैं आगे, दिखाते चल के। लेकिन अभी इलेक्ट्रिसिटी के खंभे भी नहीं लगे हैं दोस्तों, और इस साइड में अभी ट्रैक भी नहीं बिछा है। ट्रैक बस जहाँ तक ये इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लग गए हैं, यहाँ तक ये ट्रैक बिछा लिया जा चुका है दोस्तों। अभी इधर ये बिछना बाकी रह गया है, और ये आ जाता है प्लेटफार्म दोस्तों, न्यू अशोक नगर RRTS स्टेशन। देख सकते हो दोस्तों कॉन्कोर्स लेवल भी वाह साहब बन गया, और इसका अब प्लेटफॉर्म लेवल बनाया जा रहा है जो कि जल्दी ही बन जाएगा। दोस्तों ये आ चुका है न्यू अशोक नगर RRTS का स्टेशन, जिस पर कॉन्कोर्स लेवल बन के कम्प्लीट हो चुका है दोस्तों, और इस पर प्लेटफॉर्म लेवल के लिए अभी काम किया जा रहा है, जिस पर प्लेटफॉर्म लेवल की भी फ्लोरिंग कर दी है दोस्तों। जो ट्रैक का है वो ही बनाया जा रहा है, तस्वीरें देख सकते हो आप लोग। और देखो लॉन्चर पिछली बार यहाँ पर था, अब लॉन्चर देखो कहाँ पर है, वो ब्लू लाइन के ऊपर है दोस्तों। देख सकते हो आप लोग किस तरीके से यहाँ फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है, ये देख सकते हो दोनों तरफ। दोस्तों ये है, देख सकते हो न्यू अशोक नगर RRTS का स्टेशन, जो कि कॉन्कोर्स लेवल बिल्कुल बन के कम्प्लीट हो चुका है दोस्तों, तस्वीरें देख सकते हो। और आगे ऊपर ये जो प्लेटफॉर्म का ऊपर जो प्लेटफॉर्म का हिस्सा है उस पर अभी काम किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म लेवल पर देख सकते हो ये जो गाटर हैं बीच के वो बनाए जा रहे हैं, साइडों के भी ये जो गाटर हैं उनका सरियाओं का जाल तो इन्होंने बना दिया, सेटिंग भी लगा दिया दोस्तों, देख सकते हो वो वहाँ पर देखो। और ये ऊपर प्लेटफॉर्म लेवल का ही काम किया जा रहा है दोस्तों। और इस साइड में भी देखो ये यहाँ पर, क्योंकि ये आपको बता दूँ ये ब्लू लाइन से जोड़ा जाएगा दोस्तों, क्योंकि वो है ब्लू लाइन, देख सकते हो नोएडा ब्लू लाइन, तस्वीरें देख सकते हो जो आ भी रही है अभी रेल,
देखो यहाँ पे ये जोड़ा जाएगा प्लेटफॉर्म के लिए, ठीक है ना, क्योंकि उधर भी जगह दी जाएगी, तो यही काम चल रहा है अभी इस टाइम पे। ठीक है दोस्तों, तो यही काम किया जा रहा है इस टाइम पे। ये देखो यहाँ पर भी ये गाटर लॉन्चिंग कर दी इन्होंने, अभी ये पिलर बना बचा हुआ है बनने के लिए, तो इस वजह से ये ऊपर दिखाई देगा आप सभी को दोस्तों। उस पर भी काम किया जाएगा क्योंकि अभी इस पर इसकी सेटिंग बिठाई जाएगी, फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर गाटर लॉन्चिंग हो गई है नीचे वालों पे, और इन पर फ्लोरिंग का काम किया जाएगा आगे तक। तो फ्लोर वर्क का काम स्टार्ट भी हो चुका है, लॉन्चर आप लोगों को वो वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा भाई साहब लॉन्चर है, देख सकते हो आप लोग तस्वीरें। कुछ यही नज़ारा है यहाँ का न्यू अशोक नगर का, देखो सारे में ही प्लेटफॉर्म लेवल पे ही काम किया जा रहा है अभी न्यू अशोक नगर के स्टेशन पर RRTS का दोस्तों जो है। और देखो लॉन्चर वो आगे लग रहा है, वहाँ पर पहुँच गया है, और वहाँ पर भी वो आगे बढ़ता चला जा रहा है दोस्तों। तो आप लोग बताओ का वीडियो कैसा लगा आप सभी को, यार ऐसे ही वीडियो देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो KP संत के चैनल पर दोस्तों। के दोस्तों देख सकते हो ये दूसरी साइड में यहाँ पर ये बनाया जाएगा एंट्री और एग्जिट पॉइंट दोस्तों, देख सकते हो कि ये बीच में नाला चल रहा है ये, और यहाँ पर ये बनाया जा रहा है, देखो इसका फाउंडेशन बन गया है नीचे का, और ये इसमें फाउंडेशन बना के, और ये पिलर भी देखो ये बनाए जा रहे हैं दोस्तों, देख सकते हो आप लोग तस्वीरें। तो इस पर सेटिंग लगी हो रही है, उसमें कंक्रीट भी भर दिया दोस्तों, यानी कि ये ऊपर को पिलर उठाए जा रहे हैं, और एक पिलर देखो वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, और एक इसमें बीच में दिया जाएगा, एक उधर दिया जाएगा, उधर भी फाउंडेशन का काम हो चुका है, और ये बनाया जा रहा है न्यू अशोक नगर का RRTS का स्टेशन दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो जिस पर कौन कौन लेवल बन गया है, पहले ही कंप्लीट हो चुका था दोस्तों, अब ये प्लेटफॉर्म लेवल पर काम किया जा रहा है, प्लेटफॉर्म लेवल को बनाया जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो कि ये साइड में भी ये बीम डाला जा रहा है, सरियाओं का जाल इन्होंने लगा दिया है, सेटिंग देखो लगा रहे हैं, और इधर भी ये वाला पिलर बना दिया है, और पहले यहीं पर ये लॉन्चर था दोस्तों। और आपको बता दूँ ये देखो ये वाला जो रैंप बनाया जा रहा है दोस्तों, ये बनाया जा रहा है क्योंकि वो ब्लू लाइन से जोड़ा जाएगा दोस्तों। और लॉन्चर देखो यहाँ पर ये देखने के लिए मिलेगा आप सभी को, जो कि न्यू अशोक नगर RRTS का स्टेशन है दोस्तों, और उस दूसरी लाइन को ये क्रॉस कर रहा है लॉन्चर। देखो ये ब्लू लाइन देखो नीचे वाली है, और ऊपर ये RRTS दौड़ेगी दोस्तों। तस्वीर आप लोग देख सकते हैं इसका जो कॉन्कोर्स लेवल है दोस्तों, इस पर सारे में ही गाटर लॉन्चिंग कर देने के बाद में दोस्तों, और इस पर अब फ्लोर वर्क का काम किया जा रहा है, देख सकते हो आप लोग ये फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है इस टाइम पे। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है जोरों शोरों से दोस्तों। और आपको बता दूँ कि ये इस लाइन की जो आपको बता दूं दोस्तों कि जो लाइन है ये सन 2025 तक की इसकी डेडलाइन थी दोस्तों, लेकिन ये सन 2024 तक ये बन के बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो कि क्या ही नज़ारे हैं यहाँ के RRTS के, ये देखो कॉरिडोर किस तरीके से बनाया जा रहा है। और ये आपको बता दूँ दोस्तों कि देखो एक मेट्रो और दूसरी मेट्रो को क्रॉस करेगी, किस तरीके से यहाँ पर वर्क किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इधर का तो आप लोगों ने देख ही लिया कि किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है, और किस तरीके से यहाँ पर इसको किया जाएगा दोस्तों, देख सकते हो ये एंट्री एग्जिट पॉइंट एक इधर दिया जाएगा, और एक एंट्री पॉइंट उधर भी होने वाला है दोस्तों। तो ये दो एंट्री पॉइंट है, तो चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं चल के आपको सराय काले खां का और यमुना रिवर का भी कि उस पर क्या क्या वर्क चल रहा है अभी इस टाइम पर। तो चलते हैं आगे और दिखाते हैं चल के आप सभी को दोस्तों। अब देखो दोस्तों किस तरीके से ये लॉन्चर लगा हुआ है, देखो किस तरीके से ये स्ट्रक्चर को जोड़ता है, मतलब कि एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में देखो कितने ये सेगमेंट है, आप लोग तस्वीरें देखो 2, 4, 6, 8, 10, 10, 10 और 2, 12 भाई साहब 12 देख सकते हो सेगमेंट है एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में दोस्तों, और ये एक साथ जोड़ा जाएगा इसमें। और जो सेफ्टी वायर होती है ना जो इसके अंदर डाली जाती है, देखो वो छेद चमक रहे होंगे आप सभी को, उसके भीतर इसमें
डाली जाएगी सेफ्टी वायर, तब जाके ये मजबूत हो जाएगा। दोस्तों तस्वीरें देख सकते हैं, इधर ये सराय काले खां के लिए जा रहा है जो कि सारे पिलर बन के कम्प्लीट हो चुके हैं दोस्तों। और ये आप लोगों ने देखा ही कि ये अशोक न्यू अशोक नगर RRTS का स्टेशन बनाया गया है दोस्तों, ठीक है। और ये नाला है, और नाले के ऊपर ही देखो उधर भी पिलर अभी बचे हुए थे। और ये है ब्लू लाइन का RRTS वो मेट्रो लाइन का स्टेशन दोस्तों, मेट्रो का देखो, तो यही नज़ारा है। और चलते हैं, अब दिखाते हैं चल के आप सभी को दोस्तों। सकते हो दोस्तों कुछ ऐसा काम चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, RRTS के स्टेशन पर दोस्तों, न्यू अशोक नगर RRTS का स्टेशन बनाया जा रहा है। और इस साइड में देखो ये है ब्लू लाइन मेट्रो स्टेशन न्यू अशोक नगर, और इधर ये जाएगा दोस्तों सराय काले खां के लिए। तो उधर ही चलते हैं और दिखाते चल के आप सभी को दोस्तों, ठीक।